जय दोस्तों, मैं आपका दोस्त बलवीर सिंह और स्वागत है आपका पहला यूनिवर्सिस बॉडी बिल्डिंग चैनल पर। दोस्तों, मेरे को कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट्स आ रहे हैं और मेरे चैनल के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ गर्दन के लिए अगर एक्सरसाइज है इंडियन वर्कआउट्स में तो बताया जाए। मैं ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो बना, लेकिन मैं तेलुगु में था तो काफ़ी सारे दोस्त मेरे दोस्त और भाई बोल के हिंदी में एक वीडियो बना के डालो। तो आइए आज को बताता हूँ मैं जब कि अपने पहलवानी में गर्दन किस तरह से तैयार किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी गर्दन को थोड़ा हल्का कर लिए, थोड़ा वार्म अप करके ऐसा ऐसा या ऐसा ऐसा गोल घुमा के अच्छे से वार्म अप करके थोड़ा गर्दन में गर्मी आने के बाद अपनी गर्दन की एक्सरसाइज स्टार्ट करिएगा। तो ये शुरू करते हैं अच्छी मिलकर। दोस्तों, इसको बोलते हैं असली। ये हज़ारों साल से हिंदुस्तान के पहलवानी में इसका रोल बहुत ज़्यादा माना गया है गर्दन की कसरत के लिए। और भी सही कारी गर्दन की एक्सरसाइज है जो पक्का हिंदुस्तानी और पहलवानी से रिलेटेड है। शुरुआत आज अपन लेकिन हसली से करेंगे। तो ये पूरा पत्थर की बना हुई रहती, एक राउंड पहिए के जैसा आकार का रहता। इसका वज़न आप 50 किलो आराम से रहता है। और इसको गर्दन से उठाते, जिमों के अंदर भी थोड़े इक्विपमेंट्स है जिससे आपके गर्दन में जो चिप रहती वो टूटने का खतरा रहता उससे। लेकिन इससे कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। जितनी ताकत एक बैल के अंदर रहती बराबर उसके बराबर आपकी ये असली से आपकी गर्दन वैसी तैयार होगी, उतनी ताकत आपको भी मिलेगी। दोस्तों, इसको गले में ऐसे पहन के, हार की तरह पहन के, अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो बहुत अच्छी बात है। गले में डाल के इसको अपने बिल्डिंग पे सीढ़ियों पे चढ़िए, जितना हो सकता है उतना चढ़िए, जिससे आपके पैरों में, कमर में और स्पेशली गर्दन में बहुत ताकत आएंगी और आपकी गर्दन सुडौल होंगी। तो सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं। अगर आपके पास सीढ़ियाँ नहीं हैं तो सिर्फ इसको गले में डाल के भी खुले मैदान में टहल सकते हैं आप। जितना खुला मैदान होगा उतना अच्छा, बस इसको पहन के टहलना है। ये हो गया इसका बेसिक एक्सरसाइज। दोस्तों, इसको और एक दूसरी एक्सरसाइज, थोड़ा हाइट के ऊपर ऐसा हाथ टेक के पूरा वज़न आपके गर्दन पे डाल के, पूरा वज़न आपके गर्दन पे डाल के इसको ऐसे उठाना है। ये याद रखो, पूरा वज़न गर्दन पे रहना, हाथों पे, कंधे पे कुछ भी नहीं रहना, फिर सीधा। इससे भी आपको गर्दन, आपकी गर्दन को बहुत बल मिलेगा। तो ये दो एक्सरसाइज थी। और जो तीसरी एक्सरसाइज है वो इसकी सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज है। यकीन मानिए, जिस तरह एक खेत में बैल रह के हल चलाता सेम उसी तरह है। पूरा इसका वेट आपके गर्दन पे आएगा और साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है इसके। जैसा जिमों में वर्कआउट करने से कई सारे लोगों के चिपा तुड़ जाते हैं, गर्दन के सर्जरियाँ हो जाते हैं, इससे कुछ भी नहीं। और वाकई में जिगर है ना, वो ये हसली डाल के नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। दूसरी कसरत के लिए आपको ज़मीन पर बैठ जाना है। बैठने के बाद इसको लगा के आराम से गर्दन में इसको डाल के अपनी कमर एकदम सीधी रखनी है, दोनों हाथों पे सहारे लेके इसको गर्दन से उठाना है और सीधा चलते जाना। कमर एकदम सीधी रख के घुटने उठा के शेर के जैसा चलते रहना है। देखिए, कमर एकदम सीधी। तो दोस्तों, ये थी असली और इसके कुछ कसरत। आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा कि आपके गर्दन के लिए हिंदुस्तानी पहलवानी सबसे अच्छी है। और सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।